कुंभ राशि, सिर्फ 72 घंटों में एक चमत्कारी बच्चा मिलेगा जो कि आपका जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती चाल की वजह से मनुष्य का जीवन भी समय के अनुसार प्रभावित होता रहता है। कभी जीवन में खुशी आती है तो कभी बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। यदि व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक है तो इसकी वजह से शुभ नतीजे मिलते हैं, परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक ना होने के कारण जीवन बेहद कठिन हो जाता है। दोस्तों, 72 घंटों में एक बच्चा जो कि आपको आकर किस करेगा, जिससे आपके जीवन में बहुत जबरदस्त बदलाव होगा और यह बदलाव आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, तनाव को नजरअंदाज ना करें, यह तंबाकू और शराब की ही तरह खतरनाक बीमारी है जो तेजी से पांव पसार रही है। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आपको वह पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। परिवार में आप एक संधि कराने वाले दूत का दायित्व निभाएंगे। सबकी परेशानियों पर गौर करें, जिससे समस्याओं पर समय रहते काबू पाया जा सकता है। प्रेम के दृष्टिकोण से आपके यह दिन विशेष रहने वाले हैं। अगर आप कार्य क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं तो अपने काम में आधुनिकता लाने की कोशिश करें। इसके साथ ही नई तकनीक से अपडेट रहे। घर के छोटे सदस्यों के साथ लेकर आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन एक विशिष्ट दौर से गुजरेगा। ऐसी कुछ जरूरी बातें जो कि आज की वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक देखें। और बजरंगबली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जी लिखना ना भूले, और हमारे चैनल ट्रेनिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप महसूस करेंगे कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा मांग करने वाले हैं, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा करने का वादा ना करें और केवल दूसरे को खुश करने के लिए खुद को तनाव से नहीं थकाएं। व्यापार में मुनाफा कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। अपने जीवन साथी के साथ और बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। सावधान रहे, क्योंकि प्यार में पड़ना इस दिन आपके लिए दूसरी कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखें, क्योंकि आपके काम का श्रेय कोई दूसरा ले सकता है। अगर आप जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालेंगे और गैर जरूरी काम करेंगे तो ये दिन काफी निराशाजनक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, धन और करियर राशिफल की बात करें तो आपका कोई आर्थिक प्रयास सफल हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आएगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप पैसों के मामले में अपने फैसले सोच समझ कर ले। इस दिन आपको तनाव से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाने से बचें। आप अपनों के बीच ज्यादा समय बिताएंगे। पैसों की बात करें तो आपको अपने बजट के अनुसार खर्च करने की सलाह दी जाती है। सुख सुविधा की चीजों पर ज्यादा खर्च करने से बचें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अचानक काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। लोहे का व्यापार करने वाले जातकों को अच्छा फायदा हो सकता है। आपके हाथ कोई बड़ा ऑर्डर लगने की प्रबल संभावना बन रही है। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों से आशातीत सहयोग मिलेगा। किसी व्यापारिक समस्या का भी निराकरण होगा। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो आपकी लव लाइफ में इस दिन आपका मन व्याकुल रहेगा एवं अकेलापन महसूस करेंगे। इसके लिए आप पार्टनर के साथ बाहर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। यह दिन आपके प्रेम संबंध में सुख समृद्धि लेकर आएगा। इस संबंध में आपको किसी पिता तुल्य व्यक्ति की सहायता प्राप्त होगी एवं उनकी सलाह आपके प्रेम संबंध में मजबूती लेकर आएगी। दिन के दूसरे चरण में आपसी तालमेल और सहयोग बढ़ेगा। एक नई सोच या फिर एक नई शुरुआत दिन के अंत में खुशियां लेकर आएगी। दोस्तों, स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप पिछले कुछ समय से या फिर लगातार बाहर का खाना खा रहे हैं। आपके पेट को इसकी कीमत चुकानी होगी। आपको दर्द हो सकता है, फिर भी आराम से रहे। घर का बना साधारण खाना खाए, पानी अधिक पिए, जल्द ही आप अच्छा महसूस करेंगे। अल्कोहल से बचे, दांतों का ध्यान रखें। दिन में दो बार ब्रश करना अच्छा रहेगा। आपकी आंखें लेंस की तरह हैं और लंबे समय तक इनसे काम लेने पर आपको इनकी साफ सफाई भी करनी चाहिए। मतलब इसका अर्थ यह है कि आपको अपनी आंखों की जांच कराना चाहिए,
क्योंकि कार्स के अनुसार भी भारी महसूस हो रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना होगा उसके बारे में। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको अधिक मात्रा में माल डंप करने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही दूसरी ओर नौकरी पेशा जातकों के लिए यह दिन काफी महत्वपूर्ण रहने के योग है। दफ्तर में आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, आपको अपने बॉस के ओर से कोई अच्छी सलाह भी मिल सकती है। बेहतर होगा आप उनकी बातों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जीवन साथी के साथ छोटी सी बात पर कहासुनी हो सकती है, लेकिन शाम तक आपके बीच सब कुछ सामान्य हो जाएगा। दोस्तों यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण में यह कार्य करना माना गया है वर्जित, इन्हें करने से दुखों से भर जाता है जीवन। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कार्य का जिक्र किया गया है जिन्हें करने से इंसान का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और पूरे जीवन उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो कि उसकी खुशियों को खत्म कर देती है और उसके जीवन में दुखी रह जाते हैं। इसलिए अगर आपके अंदर ये आदतें हैं तो फौरन इन्हें बदल दीजिए, वरना आपकी जिंदगी दुखों से भर जाएगी। भला है दूसरों को अपमानित करना। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों का अपमान करने वाले लोग कभी खुश नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों का जीवन केवल कष्टों से भरा रहता है। इन लोगों को नर्क में जगह मिलती है। अगला है गंदे वस्त्र धारण करने वाले। जो लोग गंदे वस्त्र धारण करते हैं उनके घर माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। ऐसे लोगों के घरों में माँ लक्ष्मी कभी भी विराजमान नहीं करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गंदे कपड़ों को दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा साफ कपड़े ही धारण करना चाहिए। अगला है घमंड करने वाले लोग। जिन लोगों के अंदर घमंड होता है वो औरों का मजाक करते हैं और हमेशा दूसरे लोगों को अपने से छोटा सोचते हैं। धन का घमंड होने से बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने का एक मौका नहीं छोड़ते। धन पर घमंड करने वालों से माँ लक्ष्मी रुठ जाती है और ऐसे लोगों को धनहानि होने लग जाती है। अगला है लालच की भावना। जिन लोगों के मनों में लालच होता है उनका जीवन केवल दुखों से भर जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार लालच करने वाले व्यक्ति कभी खुश नहीं रहते। ऐसे लोगों को कभी संतुष्ट नहीं मिलता है और ये सदा दुख ही रहते हैं। सब कुछ होने के बाद भी ये किसी चीज का आनंद नहीं उठा पाते। और आखिरी है रात को दही खाना। रात के समय दही खाना अशुभ माना जाता है। जो लोग रात को दही खाते हैं उनकी सेहत खराब रहती है और सदा शारीरिक कष्टों से घिरे रहते हैं, इसलिए भूलकर भी रात को दही का सेवन ना करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।